आर वॉचिंग गली न्यूज़। दशा चेक नाका के पास वारिस पठान को डिटेन किया गया। मीरा रोड नया नगर पुलिस ने वारिस पठान के लिए 194 का नोटिस जारी किया था। वारिस पठान ने कहा था, मैं तो आऊंगा, मीरा रोड नहीं आऊंगा। 19 फरवरी को कहा टी राजा सिंह ने, 25 फरवरी को आऊंगा, पुलिस परमिशन की मांग की। हज उमरा के नाम पर फेक टिकट इशू कर हाजियों को लूटने वाले 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की ओशीवाड़ा पुलिस ने। शिव जयंती के मौके पर CM एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी CM अजित पवार पहुंचे शिवनेरी फोर्ट। 31 लाख से ज्यादा की ब्राउन शुगर और MDMA ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया नवी मुंबई पुलिस ने। प्लास्टिक प्लेट में गोल्ड की तस्करी, आईफोन फॉरेन करेंसी करोड़ों रुपए की सीज की मुंबई एयरपोर्ट से मुंबई कस्टम ने। कुल्ला BMC एल वार्ड ऑफिस के खिलाफ VBA का जन आक्रोश मोर्चा 22 फरवरी को होगा। नवाशिवा पोर्ट पर CIU ने की कार्रवाई, 2 कंटेनर भर के चाइनीज फायर क्रैकर किया सीज। थाने डबल मर्डर सॉल्व, चितलेसर पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। चलो दिल्ली फार्मर प्रोटेस्ट 2 दिन के लिए रुका, BJP नेताओं ने बात कर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। रोरो बोट सर्विस शुरू कर रहे हैं MTB, कल 22 फरवरी 2024 वसई से बहिंदर जाना होगा आसान। अंधेरी लोखंडवाला SVP नगर आकाशदीप बिल्डिंग में मीटर बॉक्स में लगी आग। BJP का गुलाम हो गया है एकनाथ शिंदे, संजय राउत ने CM एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। इस्लाम के खिलाफ UCC अपने दस्तावेज निकाल ले मुसलमान, कुर्ला में कहा SP नेता अबू आसिम आजमी ने। 2 करोड़ रुपए बड़ी रकम है, दाऊद इब्राहिम का प्लॉट खरीदने वाले दिल्ली के वकील ने पेमेंट के लिए मांगा समय। वारिस पठान के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, MIM नेताओं ने मुंबई पुलिस में की शिकायत। नवी मुंबई की 25 साल की महिला को ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म करने वाले शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। BJP को 200 से ज्यादा सीट जीतने का भरोसा नहीं, संजय राउत ने अशोक चौहान जैसे नेताओं का दिया हवाला। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 62 पेट्रोल पंप को नियम के उल्लंघन करने पर नोटिस भेजा गया। मुंब्रा में रिश्वत की वीडियो वायरल होने के बाद सीनियर अधिकारी सहित 40 ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों का तबादला। मुंबई NCB ने ड्रग्स स्मगलिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, 4 लोगों को गिरफ्तार कर 31 ग्राम गांजा बरामद किया। 68 लाख की हेराफेरी के मामले में CBI ने 3 पोस्ट ऑफिशियल पर मामला दर्ज किया। नसरुद्दीन शाह ने कहा, मुझे हिंदी फिल्म देखना अब पसंद नहीं क्योंकि उसमें सब्सटेंस नहीं है। एलवी यादव ने कहा, नंगा नाच नाचूंगा अगर मैं नोएडा रेप पार्टी केस में गिल्टी पाया गया तो।